एक तरफ भाई जो भी करते हैं एकदम फिल्मी स्टाइल में, फिर चाहे वो आंखों ही आंखों में इशारे करना हो या फिर चलती बस के पीछे बस को रोककर गीत को मनाना हो, मान गए मान बाबू। सीरियल की दुनिया में एकदम फिल्मी सी, आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे हीरो और गाड़ी की खिड़की से लटकता हुआ हीरोइन का लाल दुपट्टा। जाहिर है अगर इस सीन का हीरो मान है तो ये लाल दुपट्टे वाली हीरोइन गीत ही होगी, मगर मान बाबू ये बेलगाम घोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं? तुम पकड़ा तो निकला काला दाग, 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 दाग। वो इसलिए भाग रहा था कि बस में मुझे गीत दिख जाती है और गीत को मुझे पकड़ना है और बस बस के पीछे मैं भाग रहा था। शूटिंग के लिए भागना हो या फिर ऐवे ही, भागना आसान थोड़ी ही है, इसीलिए मान बाबू बस पर लटक लटक कर अपनी थकान मिटा रहे हैं। है? कहां की बातें? क्या मान को सब कुछ याद आ गया? दादी माँ की तबीयत खराब है तो इसलिए मान, दादी माँ चाहती है कि गीत को लेके आए तो बस मान गीत को लेने गया। क्या मान ने गीत को रोक लिया? हाँ बस मान जाएगी ना, मान से गीत हमेशा मान जाती है। पर है क्या ये जो तेरे मेरे घर में है? क्या गीत के चेहरे पर हंसी लौट आई? सुनी कोई ना जीना, एक बार फिर अपनी जान की आंखों में आंसू ले आए हैं मान सिंह खुराना। देखिए कैसे फफक फफक के रो रही है। मान की याददाश्त क्या गई? गीत की जिंदगी से मानो खुशी ही चली गई हो। लगने लगी इसमें मान का भी क्या दोष? किस्मत ने खेल ही ऐसा खेला है कि साथ रहकर भी अलग अलग हैं गीत और मान। अब देखते हैं गीत की रूठी हुई किस्मत कब मेहरबान होती है। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। याद है ना, सास बहू और बेटी को बताया था कि नन्ही फुलवा बहुत ज्यादा होने जा रही है बड़ी, क्योंकि शंकर के बाद सीरियल में आने वाला है 10 साल का। पर घबराइए मत,